क्या आपने कभी सोचा है कि प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा बॉलीवुड और हॉलीवुड स्टार जैसा चेहरा कार्बन कॉपी करा जाए? रुक जाइए भाई, थोड़ा रुक जाइए। ये सोचने से पहले वीडियो को पूरा देख लीजिए, फिर इसके बारे में सोचना। आज हम आपके सामने ऐसे ही कुछ ऐरे गहरे नत्थु खैरे कर लेकर आए हैं, जिन्हें देखकर आप प्लास्टिक सर्जरी करने का ख्याल ही उड़ जाएगा। चलिए ना इधर ना उधर, सीधे वीडियो के अंदर। जेसिका एल्विस जब 3 साल के थे, तब उसके ग्रैंडफादर ने उन्हें एक बार्बी डॉल खरीद कर दिया। तब से मानो उनके दिमाग में बार्बी डॉल का भूत चप गया और खुद को डॉल जैसा बनने के लिए पहले तो नाक की सर्जरी की, बाद में शरीर का हर हिस्से का सर्जरी कर डाला। तो इससे भी जब उन्हें शांति नहीं मिले, तब उन्होंने अपना जेंडर ही चेंज कर डाला। आज वो एक लड़का से लड़की बन चुके हैं। मार्च 2020 में आकर उनका सपना बार्बी डॉल बनने का पूरा हुआ। उनके परिवार इससे काफ़ी चिंतित हैं। यूक्रेनियन मॉडल वालेरिया लुकानोवा ने आज बार्बी डॉल की जैसे मिलते जुलते चेहरे के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। वो बार्बी डॉल की तरह दिखने के लिए पंजर की एक हड्डी भी अपने शरीर से निकाल दी, लेकिन वालेरिया कहते हैं कि वो ये जिम में पसीना बहाकर पाए हैं। ऐसे तो कौन चोर अब खुद को चोर कहेगा। उन्होंने जब पहली बार सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट डाला, तब एबीसी न्यूज़ ने ये कहा था कि ये एडिटिंग के कमाल है। बाद में वो सफाई देने के लिए लुकानोवा ने रशिया वन ऑन चैनल वन रशिया में आए और अपने सफाई दी, और इसके बाद भी यूट्यूब में अपने वीडियो डाला। चलिए मिलते हैं हम उन इंसान से जो बचपन से ही ठोट के कारण नाखुश थे। इस महान लड़की का नाम है मिचालिला रोमानिनी, जो एक इटालियन सोशलिस्ट से नाम से इंटरनेट पर परिचित है। मोहतरमा खुद को खूबसूरत बनाने के लिए यूएस में चले थे। बाद में उनके चेहरे का ऐसा प्लास्टिक सर्जरी हुई, पूछो ही मत। खुद को फोटो में देखने में भी मोहतरमा घबरा रहे थे। जब इनके बारे में उनसे पूछा गया एक मैगजीन के द्वारा, तब उन्होंने बताया कि नो टॉर्पिडो बाजाकास गॉन, अर्थात शरीर का कोई भी हिस्सा अंतिम दिन तक एक जैसा नहीं रहता। आज के कलयुग युग में लड़के क्या कुछ कर रहे हैं भाई, हमें समझ में नहीं आ रहा है। ये अमेरिकन मैन जस्टिन जेडिका को ही देख लीजिए। जब वो 17 साल की थी, तब उनके माथे पर प्लास्टिक सर्जरी करने का भूत चढ़ गया था। पहले तो नाक की सर्जरी करने का भूत चढ़ा, के बाद में जब 18 साल के हुए अमेरिकन वोटर कार्ड पाने के बाद ही वो झटाझट 150 से ज़्यादा सर्जरी कर डाले। इन सब महान कारणों के लिए उनको आज इंटरनेट पर ह्यूमन कैंडल नाम से पुकारा जाता है। ब्राज़ील देश का भाई क्या ही कहना। 24 साल की इस डॉक्टर मोहतरमा से मिली, इनके नाम है नताशा क्राउन, जिन्होंने वर्ल्ड बिगेस्ट बाट की वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि ग्रीनिस बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐसा कोई कैटेगरी नहीं है, नहीं तो नताशा क्राउन का नाम जरूर आता। 20 साल की उम्र से ही उन्होंने बाट लिफ्ट करना शुरू कर दिए थे। आज प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा मोहतरमा ने 85 सेमी के बाट कर चुके हैं। पहले तो आप मुझे बताइए बाट का मतलब अगर आपको पता है तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा किए। क्या क्या बताओ, आज हर कोई क्या क्या करते हैं इंस्टाग्राम में स्टार बनने के लिए। आज ऐसे ही शख्सियत से हम आपके मिलाएंगे, जिनके नाम है नोवेक किगानोविक। 47 साल की नोवेक ने 22 साल की उम्र में ही प्लास्टिक सर्जरी के भूत अपने माथे में चढ़ चुके थे। पहले सर्जरी कर डाला 22 साल की उम्र में। उनके माथे पर इतना प्लास्टिक सर्जरी के भूत चढ़ा था कि उन्होंने एक प्लास्टिक और प्राउड मैगजीन में आकर कहा कि आई जस्ट वॉन्ट टू डू माई एज अगेन, अर्थात उम्र के वापस पाना चाहते थे। प्लास्टिक सर्जरी के मामले में हॉलीवुड और बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ टीवी रियलिटी शो के एक्ट्रेस भी काफ़ी जोर शोर से शामिल हो रहे हैं। ऐसे ही एक इंग्लिश टीवी रियलिटी शो के होस्ट चार्लोटे कर्वे 2016 में उनके नाक से प्लास्टिक सर्जरी किया था, बाद में उनके चेहरे की हुलिया ही बदल डाली। इस पूरे स्टोरी के वीकली बेस्ड न्यूज़पेपर द सन में
ये 25 मार्च 2019 में छपा गया था। प्लास्टिक सर्जरी का भूत पर्दे के पीछे रहने वाले म्यूजिशियन, सिंगर और संग राइटर की दिमाग में भी घुस चुके हैं। ऐसा ही एक शख्सियत है पीटर जेपी बर्न्स। ये एक इंग्लिश म्यूजिशियन, संग राइटर और सिंगर थी। बर्न्स ने कभी भी मीडिया के सामने अपने कॉस्मेटिक सर्जरी को नहीं छुपाया थे और गाल, नाक, ठोंट के प्लास्टिक सर्जरी और कई टैटू के बारे में खुलकर आम सब के साथ शेयर किया। द सन के मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उनके एक्स वाइफ ने कहा है कि तलाक देने के एक साल पहले से बर्न्स ने गे की तरह व्यवहार करना शुरू कर दिए थे। भाई, जानकारी के लिए हम बता देते हैं, बर्न्स 2016 में मर चुके हैं। तो क्या आप कभी ऐसे जुमांजी इंसान को देखे हैं? नहीं तो देख लीजिए। ये है फातिम किसभंत, जो इंस्टाग्राम पर सहार तोबर नाम से परिचित है। सहार तब सुर्खियों में आए जब उनके जुमांजी वाले फोटो को 2017 में इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया। यो खुद ने कहा है कि करीब 15 सर्जरी करने पड़े ऐसे चेहरे पाने के लिए, लेकिन सहारे पर ऊपर ये भारी पड़ने लगा जब ईरानियन नेशनल टेलीविजन पर ये सब कहा। बाद में ब्लास्फेमी और इल्लीगल ऑप्टेन मानी के कारण उन्हें अरेस्ट कर दिया गया और दिसंबर 2020 को 10 साल की सजा सुनाया गया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस थी? इसलिए तो कहते हैं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज की वीडियो यहाँ तक। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह ये वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।